अब बात सिंगरौली की होगी, जहां मतदाता सम्मेलन में स्कूली बच्चों को बीजेपी का अंगवस्त्र पहनाया गया। राज्य मंत्री राधा सिंह की मौजूदगी में सीएम राइज स्कूल के बच्चों को बीजेपी का अंगवस्त्र पहनाया गया है। तस्वीर आप देखिए। अब मामले के सामने आने के बाद जांच की बात कही जा रही है। तो वहीं उमरिया में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस नेता ध्यान सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और ध्यान सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उमरिया में कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। ध्यान सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गांव चले अभियान के तहत एमपी सरकार के मंत्री और संगठन के बड़े नेता आकांक्षी गांव और बूथ पर रात गुजारेंगे। इस दौरान हितग्राहियों से ये लोग चर्चा भी करेंगे। 4 फरवरी से ये अभियान शुरू होगा, जबकि 11 फरवरी तक चलेगा। उधर इस अभियान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी का जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। बीजेपी ने कहा कि अंतिम छोर तक विकास योजनाएं पहुंचे और लाभ मिले, यही बीजेपी का मकसद है और इस वजह से गांव चले अभियान की शुरुआत की गई है। टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क हमेशा अपने फैसलों से दुनिया को चौंका देते हैं। एक बार फिर उनका ऐसा ही कारनामा सामने आया है। उनकी कंपनी ने यह दावा किया है कि उसने इंसान के दिमाग में ब्रेन चिप फिट कर दी है। दावा है कि इससे मेडिकल साइंस की दुनिया बदल जाएगी। देखिए रिपोर्ट। एलन मस्क ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। उनकी कंपनी न्यूरालिंक का दावा है कि इसी रविवार को पहले मानव मरीज पर ब्रेन चिप का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। एलन मस्क ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है, जिसमें कहा गया है कि मरीज की रिकवरी तेजी से हो रही है। मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप फिट की है। यह डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की तरह है, जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। दावा है कि अगर ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए जो आंखों से देख नहीं पाते वो भी देख सकेंगे। पैरालिसिस के मरीज चल फिर सकेंगे और कंप्यूटर भी चला सकेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम टेलीपैथी है। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो शारीरिक तौर पर कमजोर हैं, यानी जिनके हाथ और पांव नहीं चल पाते। ये भी दावा है कि इसकी मदद से यूजर्स दिमाग से ही कंप्यूटर और स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकेंगे। बीते लंबे वक्त से इस पर काम जारी है और सितंबर में कंपनी को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेस्टिंग की मंजूरी मिली थी। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में एक चिप जो है वो इम्प्लांट की जाती है और इंसान वो कर सकता है जो वो करने में विफल हो, लेकिन अब ऐसा सच हो गया है और इसकी जानकारी खुद एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। पिछले साल मंजूरी मिल गई थी ब्रेन चिप की और अब जो है ब्रेन चिप को इम्प्लांट कर दिया गया है। सो फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रोक पेशेंट्स या पेशेंट जिन्हें न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस होती हैं, लाइक ALS जिसमें मसल्स काम नहीं कर रही, हाथ पांव नहीं हिल रहे, उनमें ये काफ़ी ऑलरेडी थोड़ी इम्प्लीकेशंस हैं कि कैन वी हेल्प दीज पेशेंट्स, इन तो हम बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। मेरी फीलिंग ये है कि दिस टेक्नोलॉजी इज ऑन गोइंग, फर्दर रिसर्च विल हैपन। यू नो इनिशियल जो ट्रायल्स होते हैं उनमें इनिशियली ट्रायल्स में ये देखा जाता है भी हाउ सेफ इट इज, कर भी सकते हो और कितना सेफ है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही जिस पेशेंट में आपने वो चिप इम्प्लांट किया। एंड देन बेस्ड ऑन द डेटा उसकी फिर इम्प्लीकेशन आती हैं।
अभी इस ट्रायल का मकसद वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम करना है। इसमें सर्जिकल रोबोट और इम्प्लांट की सेफ्टी पर ध्यान दिया है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 22,000 लोगों पर ब्रेन चिप को इम्प्लांट करने का था। कहा जा रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है जो दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को किसी बाहरी कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ से जोड़ देती है। मस्क की कंपनी एक ऐसी चिप बनाने में लगी थी जिससे लकवाग्रस्त या शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग आसानी से अपनी रोजमर्रा के काम कर सकेंगे। इस डिवाइस या चिप को न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी कहा जाता है। पैरालिसिस से पीड़ित इंसान दिमाग में चिप के फिट होने के बाद केवल ये सोचकर माउस का कर्सर मूव कर सकेंगे कि वो इसे कैसे मूव करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अगर न्यूरालिंक का प्रयोग पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ तो मेडिकल साइंस की दुनिया बदल जाएगी। साल 2016 एलन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों की टीम के साथ न्यूरालिंक को शुरू किया। मकसद था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCCIS बनाना। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये दिमाग को रीड करने वाला एक डिवाइसेस होगा, उसकी जो न्यूरोनल एक्टिविटीज होगी उसको ये मॉनिटर करके इसको जब कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन हमारा किस तरह से काम करता है, उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं जो अलग अलग। न्यूरालिंक के मुताबिक ट्रायल उन लोगों पर किया जा रहा है जिन लोगों को सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में चोट है। इस ट्रायल में हिस्सा लेने वाले की न्यूनतम उम्र 22 साल होनी चाहिए। स्टडी को पूरा होने में करीब 6 साल का वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।